रविवार को बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल के शर्मा मथुरा आए, जहां उन्होंने रिफाइनरी क्षेत्र में गांव बाद के समीप स्थित बीएसएफ की 165वीं बटालियन के प्रशासनिक भवन का लोकार्पण किया। इस दौरान उनके साथ बीएसएफ के आईजी एसएस चाहर भी थे। बीएसएफ के डीजी का हेलीकॉप्टर पुलिस लाइन ग्राउंड स्थित हेलीपैड पर देरी से उतरा। उसके बाद बीएसएफ के डीजी का काफिला 165वीं बटालियन पहुंचा, जहां उन्हें बीएसएफ के गार्डों द्वारा उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान डीजी ने नए प्रशासनिक भवन का पूजा पाठ के साथ लोकार्पण किया। एक सौ 165वीं बटालियन के हेडक्वार्टर पहुंचे बीएसएफ के डीजी के शर्मा ने वहीं जवानों को भी संबोधित किया और जवानों को उन्होंने बीएसएफ की योजनाओं के संबंध में जानकारी देते हुए सुरक्षा के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी प्रकाश डाला। मैं आप लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि बीएसएफ निरंतर बहुत अच्छा परफॉर्म करती आ रही है और जब कभी भी हमारी गृह मंत्रालय में बात होती है तो सभी फोर्सेज की तुलना में बीएसएफ को हमेशा नंबर वन पाया जाता है। आपकी जानकारी में होगा कि अभी हाल ही में हमने कार्डर रिव्यू की एक्सरसाइज पूरी की, ग्रुप ए के ऑफिसर्स की कार्डर रिव्यू हुई और बहुत बड़ी संख्या में लोगों को प्रमोशन मिली। उसी तरह से मिनिस्ट्रियल कार्डर की और इंजीनियरिंग कार्डर की भी कार्डर रिव्यू हो चुकी है और उसमें भी अच्छी मात्रा में लोगों को प्रमोशन मिली है। और कम्युनिकेशन का कार्डर रिव्यू अभी प्रोसेस में है और जल्दी उसमें भी प्रमोशन होगी। एक हमारी चेष्टा है कि लोअर क्वार्टर में भी जो स्टैग्नेशन है उसमें भी जल्दी से जल्दी कोई चीज लाई जाए और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी उसमें भी हम आप लोगों को कोई अच्छी खबर देंगे। दरअसल मथुरा के रिफाइनरी क्षेत्र में स्थापित बीएसएफ की 165वीं बटालियन का हेडक्वार्टर काफी महत्वपूर्ण है। ये रिजर्व बटालियन के रूप में काम करता है। इसका उद्घाटन वर्ष 2013 में तत्कालीन गृह मंत्री सुनील कुमार शिंदे के द्वारा किया गया था। भौगोलिक दृष्टिकोण से ये काफी महत्वपूर्ण है। दिल्ली, आगरा रिफाइनरी व मथुरा आदि शहरों की आपातकालीन सुरक्षा की स्थिति को ध्यान में रखते हुए ये यहां स्थापित किया गया। डीजी बनने के बाद डीजी के शर्मा का यहां पहला दौरा है। मथुरा आए बीएसएफ के डीजी के शर्मा ने बटालियन के संबंध में जानकारी दी। साथ ही उन्होंने कहा कि सीमा पर किसी भी स्थिति से निपटने के लिए बीएसएफ सशक्त रूप से तैयार है। नहीं, जैसा आप लोगों को विदित है हमारी ये केएलपी यहां स्थित है जी। और यहां डीजी बनने के बाद मेरा पहला अवसर है यहां आने का जी। और यहाँ जो कुछ बिल्डिंग्स पूरी हुई थी उनको जवानों के लिए समर्पित करने की जी। जवानों के लिए दिशा निर्देश, उनके हित की जो चीज़ें हैं उनकी जानकारी उनको दी गई है। जैसा आपने शायद सुना होगा, हमने बीएसएफ में पीटी के स्थान पर योग शुरू किया है और बड़े स्तर पे हम चाहते हैं कि हमारे जवान और अधिकारी इसे अपनाएं। बहुत अच्छे स्तर पर इसको अपनाया भी जा चुका है। यही वजह है कि ऑल इंडिया पुलिस योग कंपटीशन में बीएसएफ को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ जी। और इसके साथ साथ कुछ और स्कीम्स हैं जिनके बारे में जानकारी दी गई, जैसे हमारा एक फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम है जिसमें हम अपने जवानों को सिखाते हैं कि उन्हें कैसे बचत करनी चाहिए और उस बचत को कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि उनको सेफ और अच्छी रिटर्न। सीमा पर जिस तरीके को हालात बन रहे हैं, दूसरी तरफ से लगातार आतंक बढ़ रहा है, जो देखते हुए क्या कुछ अपनी प्रभावी कार्रवाई चाहिए? मैं आपको बस इतना ही बताना चाहूँगा कि बीएसएफ किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है और
हमारे बॉर्डर सुरक्षित है। बीएसएफ के डीजी के शर्मा मथुरा पहुंचे, जहां उन्होंने बाद स्थित बीएसएफ की 165 बी बटालियन के प्रशासनिक भवन और क्वार्टर गार्ड का उद्घाटन किया। साथ ही साथ उन्होंने जवानों को संबोधित करते हुए बीएसएफ की योजनाओं के बारे में भी बताया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीएसएफ सीमा पर किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह मुस्तैद है। न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन संतोष के साथ गोविंद भारद्वाज।